नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज मैं अपने गांव में आई हूँ और दिखा रही हूँ कि हमारी तुलसी देखिए आप कितनी कितनी बहुत ज़्यादा हैं और किस तरह से इतनी सारी तुलसी, एक तुलसी से इतनी सारी तुलसी बन चुकी हैं, क्योंकि इन पर ये बीज जो लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, इसलिए बहुत सारी तुलसी बन जाती है। देखिए आप इस तरह से क्यारी करके बनाई हुई है और मिट्टी में लगाई हुई, इसलिए इतनी ज़्यादा तुलसी बनी हुई है। फ्रेंड, ये है गुलाब का पौधा, अभी फूल नहीं आए हैं, आएंगे, बहुत सारे आते भी हैं। और देखिए आप, ये है पपीता, छोटा छोटा पपीता ये लगाया हुआ है। कितना सारा ये गुलाब है, और इसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये है गुड़हल, वाइट कलर का इसका पत्ता है और लाल कलर का फूल आता है, कुछ लग भी रहे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। फ्रेंड, मेरे गांव में बहुत अच्छे पौधे हैं ये। देखिए फ्रेंड, ये एरिका पाम है हमारे गांव में, कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मिट्टी में लगा हुआ है, इसलिए इसके पत्ते देख सकते हैं, इनका साइज देखिए आप कितना बड़ा है, और बिल्कुल हरा हरा आपको दिख रहा होगा। और इसमें हमने कोई खाद भी नहीं दी है और ना कुछ दिया है, सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। देखते हैं आप, ये देखिए कड़ी पत्ता कितना बड़ा हो रहा है, और हम गमलों में लगाते हैं तो बहुत छोटा रह जाता है, और कितना भी खाद पानी दीजिए फिर भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा आपको। और ये देखिए कितना बड़ा है, और इस पर बीज भी लगे हुए हैं, अभी मैं आपको बीज भी दिखा दूंगी, देख सकते हैं आप, ये कुछ दिख रहे होंगे बीज बीच में। और फिर से देखिए गुलाब है, और गुलाब पर फूल भी लगा हुआ है, और बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें सुबह सुबह। और देखिए आप कितना बड़ा कड़ी पत्ता है ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये कड़ी पत्ता, पूरा नीम के बराबर, ये मीठा नीम बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में कड़ी पत्ता बोलते हैं। देखिए हमारे गांव का ये लुक है, और ये पौधे हैं।